बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइज एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा चेहरा जो है वो हमारी पर्सनालिटी पे एक बहुत ज़्यादा असर डालता है, यानी जितना ही खूबसूरत चेहरा होता है उतनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी लगती है। बाज़ दफ़ा आप बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बहुत अच्छे जूते पहन लेते हैं, बहुत अच्छी सी घड़ी लगा लेते हैं, लेकिन शायद आप अपने चेहरे पर इतना फोकस नहीं करते, इतनी अहमियत नहीं देते, उसकी इतनी केयर नहीं करते, जिसकी वजह से होता यह है कि बहुत अच्छे कपड़े या बहुत अच्छा लिबास, बहुत अच्छे जूते, लोग इन चीज़ों को नहीं देखते बल्कि आपके चेहरे को देखते हैं। और अगर आपके चेहरे पे निफासत ना हो या जो सर्विसेज ली जाती हैं, ख़ासतौर पर आजकल मुख्तलिफ सेंटर्स मौजूद हैं, बहुत आसानी है। पहले लोग घरों में टोटके से मुख्तलिफ चीज़ें बनाया करते थे कि किसी तरह, ख़ासतौर पर जो मेरी बहनें ये शो देख रही हैं, कि किसी तरह उनका चेहरा खूबसूरत नज़र आए, रंगत खिली खिली नज़र आए। गोरा रंग होना कोई खूबसूरती नहीं मानी जाती, यानी ये नहीं है कि अगर किसी का गोरा रंग नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने चेहरे को अच्छा नहीं बना सकता। आपकी अगर एक हशाश बशाश चेहरा लगेगा, आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी, खिलती हुई रंगत होगी, तब भी आप बहुत जाजिब नज़र और स्मार्ट लग सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज जिल्द की तमाम जिल्द के मसाइल और किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर बनाया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, गीनो से ताल्लुक़ रखती हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं शहला खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहला, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। शहला, सबसे पहले तो बताइएगा ये गीनो जो है ये क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? गीनो जो है इट्स अ फ्रेंच ब्रांड, फ्रांस का ब्रांड है और पिछले 60 साल से जो है ब्यूटी इंडस्ट्री में है, और पाकिस्तान में पिछले 40 साल से पेंक्स कुरैशी, जो पेंक्स सैलॉन है, उनकी जो मेंटोर हैं उनके थ्रू ये पाकिस्तान में आया। सो गीनो इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन यानी थेरापेटिकली आपकी हर प्रॉब्लम्स को केटर करता है। सो हम लोग बेसिकली सैलॉन बेस्ड होता है हमारा प्रोडक्ट, और रिटेल्स पर भी अवेलेबल होता है ओनली इन द पार्टनर सैलॉन्स। सो वी केयर अबाउट द स्किन बेसिकली। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को वाइटनिंग का बड़ा वादा करते हैं कि हम आपको वाइटनिंग कर देंगे, आपकी स्किन ग्लो कर जाएगी, लेकिन उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स के रिजल्ट्स बहुत ख़राब होते हैं। गीनो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर 100% नेचुरली इंग्रेडिएंट से बेस्ड बने हुए होते हैं, और बहुत रिसर्च के बाद इन पे काफ़ी सालों तक रिसर्च की गई है, और बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेके इसके प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है फेस के लिए। हमारे यहाँ जनरली लोगों को ये नहीं पता, ख़वातीन को, कि गोरा होना, जैसे आपने बोला, सारी चीज़ नहीं होती। एक अच्छी और हेल्दी स्किन होना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो गीनो पे हम लोगों की सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो एक स्किन को, एक खूबसूरत स्किन होनी चाहिए, फ्लॉलेस स्किन जिसको बोलते हैं, यानी बदनुमा स्किन ना दिखे, बिल्कुल खूबसूरत और एक हेल्दी प्लम्प्ड स्किन दिखे, तो वी मेक इट थ्रू गीनो। इज इट पॉसिबल, हो सकती है आजकल की कराची की एनवायरनमेंट में? बिल्कुल पॉसिबल है। इफ़ यू, अगर आपकी एक अच्छी हेल्दी स्किन रिजीम है और आपको आपकी स्किन टाइप पता है, कंडीशंस पता हैं, और आप एक गीनो जैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई कैन गारंटी यू 100% स्किन। अच्छा, ये तो नहीं होता कि इंसान साइकिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन की केयर करने लग जाता है, फिर उसको एक छोटा सा स्पॉट भी जो है ना तंग कर रहा होता है? तो बाज़ दफ़ा मैं तो समझता हूँ कि इंसान को थोड़ा केयर फ्री भी हो जाना चाहिए कि यार ठीक है, मर्दों को तो बिल्कुल ही केयर फ्री होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी, लेकिन ख़वातीन जो है ना वो बड़ी बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि केयरिंग हो जाती है अपनी स्किन को लेके। तो क्या इस तरह का केयरिंग होना चाहिए या कैजुअली होना चाहिए? देखिए, मैं बीइंग वुमन माई सेल्फ, और मैं इस चीज़ पे ज़रूर बिलीव इन करती हूँ कि अगर आज आप अपनी स्किन में इन्वेस्ट करेंगे और ख्याल रखेंगे, तो कल जब आप 60-70 के होंगे, ठीक है, तो आपकी स्किन शुक्र अदा करेगी कि मेरे पे आपने इन्वेस्ट किया है और मुझे खूबसूरत रखा है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है, इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो लेटर एज में बिल्कुल मिलते हैं। आप, हम लोग आज सेविंग्स करते हैं तो कल को हम उनको चेरिश करते हैं। स्किन भी हमारा इसी तरीके से काम करती है कि अगर आज आप एक अच्छी चीज़ में, अपनी स्किन में इन्वेस्ट करेंगे,
तो कल को आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे पास 90% जो ख़वातीन आती हैं वो लेटर इन द एज आती हैं, 40s 50s के बाद आती हैं। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि यार मेरी अब स्किन में रिंकल्स नहीं होने चाहिए, मेरी फाइन लाइंस निकल रही हैं, आ रही हैं, चेहरे पे नमूदार हो रही हैं, पता चल रहा है मेरी स्किन सैग आउट कर रही है, अब आप इसको ठीक कर दें। अच्छा, तो हम उनको यही कहते हैं कि अब जब बिगाड़ प्रॉपरली हो चुका, अब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए आ रहे हैं, तो अब उस स्टेज में हम आपकी स्किन को बिगाड़ को सुधार सकते हैं, लेकिन कोई एक एमिनेंट किस्म का हम आपको डिफरेंस नहीं दिखा सकते। हम बेटर कर सकते हैं लेकिन बेहतरीन नहीं कर सकते। सो इसलिए हम गिनों में यही कहते हैं कि इन्वेस्ट इन योर स्किन टुडे, इट्स गोइंग टू थैंक यू टुमारो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं वो लेटर स्टेज पे जाके उस आपको पे ऑफ करती है। अच्छा, एक बात आपसे ये भी जानना चाहूँगा शैला, कि हमारी ख्वातीन जो है ना, मेरी बहनें, वो अगर एक ही चीज़ पे फोकस करें तो वो सिर्फ चेहरे को वॉश भी करेंगी, मुख्तलिफ क्लेंजर्स यूज़ करेंगी, फेशियल भी कराएंगी, वाइटनिंग भी कराएंगी, यानी फोकस सिर्फ चेहरा वगैरह जाता है, जबकि एक किसी भी खातून की पर्सनालिटी में उसके हैंड यानी उसके हाथ, उसके नाखून, उसके पांव, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की निफासत का, उसकी शख्सियत का, इन चीज़ों से भी आइडिया होता है। तो क्या सिर्फ फेस पे ही फोकस करना चाहिए या हाथ पांव की भी केयर करनी चाहिए? हाथ पांव की भी केयर करनी चाहिए आपको, फेस के साथ साथ ऑब्वियसली आपकी पूरी आपकी पर्सनैलिटी का पर्सोना चेहरा ज़रूर होता है, लेकिन आपकी प्रॉपर पूरी पर्सनालिटी आपके बाकी बॉडी फीचर्स से भी पता चलती है। सो व्हाट वी डू इन गिनो इज़ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, स्किन केयर लाइन है, वो सिर्फ और सिर्फ फेस के से रिलेटेड नहीं है। हमारे पास फेशियल्स भी होते हैं, हमारे पास पेडिक्योर या मैनीक्योर जो कि हाथों और पाँवों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके भी प्रोडक्ट्स हैं। प्लस हम लोग स्लिमिंग भी देते हैं बॉडी की। अच्छा, हमारे पास स्लिमिंग ट्रीटमेंट्स भी है। तो फेशियल ट्रीटमेंट्स, स्लिमिंग ट्रीटमेंट्स है, वो किस तरह किए जाते हैं? हमारा टेक्नी स्पा जो है उससे हम लोग आपको बॉडी रैप्स देते हैं, जिससे आपकी बॉडी के सेल्यूलाइट्स जो हैं, जिनको हम मेल्ट ऑफ करके आपकी इंचेस में कमर और आपके जहाँ जहाँ पर आपको सेल्यूलाइट एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है, अनवांटेड फैट है, एग्जैक्टली, हम उनको बॉडी रैप्स के थ्रू, टेक्नी स्पा के थ्रू जेल्स होते हैं हमारे, और हमारी एक मशीन है जो कि आपको उस फैट को मेल्ट ऑफ करने में हेल्प आउट करती है। टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है? नहीं, देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है, और हम हमेशा यही अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच इन अ प्रोडक्ट, इन अ ट्रीटमेंट, तो आपको बैक सपोर्ट सिस्टम तो आपको चाहिए ही होता है। यानी खाना पीना छोड़ना नहीं, खाना पीना छोड़ना नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर आपकी एक अच्छी हेल्दी डाइट होगी तो उसके साथ ऑब्वियसली जो आपने ट्रीटमेंट करवाई है तो उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है डाइट। ठीक है। अच्छा, जो गिनो की प्रोडक्ट्स हैं, इसकी प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या चीज़ें हैं? गिनो की प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास क्लेंजर्स हैं, टोनर्स हैं, हमारे पास एक्सफोलिएटर्स जिनको आप लोकल लैंग्वेज में स्क्रब्स बोलते हैं, स्क्रब्स भी अवेलेबल हैं, नाइट क्रीम्स हैं हमारी, डे केयर क्रीम्स हैं हमारी, अपनी पूरी सन की एक सन लॉजिक की हमारी पूरी स्किन केयर की एक अपनी अलग लाइन है जो कि आपको सन बर्न से बचाती है। बाज़ लोगों को टैन पसंद होता है तो आपको टैन होने में मदद देती है, टैन होने में भी मदद है। एग्जैक्टली, हमारे पास बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाके टैन होने का लोगों को बहुत शौक होता है, बीचेस पे, तो उसमें भी आपको मदद देती है। तो हमारी पूरी एक सन की एक अलग हमारी पूरी प्रोडक्ट लाइन है जो कि आपको सूरज से बचाती भी है, और प्लस आपको अगर आपको गोल्डन स्किन बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको गोल्ड स्किन देने में भी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा हमारे पास एंटी एजिंग पूरी स्किन रेंज है, हमारे पास एंटी रिंकल स्किन रेंज है पूरी, हमारे पास न्यू वाइट की एक पूरी रेंज है जो कि आपकी वाइटनिंग यानी आपके मेलानिन्स पे काम करती है, यानी आपके ब्राउन स्पॉट्स पर काम करती है, और आपके स्किन की पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है और आपका कलर इन्हांस करती है। अच्छा, तो इतनी बड़ी रेंज मौजूद है, और ये रिटेल में भी है लेकिन सैलून बेस्ड है? एग्जैक्टली, सैलून बेस्ड है, यानी आपको पैंग सैलून ऑल अक्रॉस कराची जहाँ पे भी आपको पैंग्स के आउटलेट्स मिले वहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल होती है। प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा तो नहीं है इसकी? नहीं, प्राइस रेंज आई वुड से इज़ इकोनॉमिकल, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। आई वुडंट से कि इट्स अ हाई एंड ब्रांड, इट इज़ अ हाई एंड ब्रांड यस, बट अफोर्डेबल। But affordable. Yes. Easily affordable. Come on. If you can afford Huda Beauty Palette, you can even easily afford Gino.
अच्छा जी, फिर मतलब आपकी स्किन की केयर पे डिपेंड करता है ना कि आप एग्जैक्टली आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी स्किन है तो फिर जाहिर सी बात है आप एक वक्त बाहर डाइन आउट नहीं करेंगे, लेकिन आपको अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली, माय क्लाइंट्स कम इन और मुझसे पूछती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि अपने महीने के बजट में से 5,000 रुपये अपने लिए निकाल के रख लें। अच्छा, अब आपकी मर्जी है उस 5,000 रुपये में आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें या एक ड्रेस ले लें, या आप एक ड्रेस ले लें, या आप एक गिनो का अच्छा फेशियल ले लें, या आप एक गिनो की अच्छी प्रोडक्ट ले लें। सो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो सैलून में ही हो। आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होम केयर के लिए हम लोग देते हैं क्लाइंट्स को, लेकिन हम गिनो में बेसिकली हमारा काम ये होता है कि व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू मी, सो आई ऑलवेज रेकमेंड हर अ गुड स्किन केयर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा फेशियल, एक अच्छी ट्रीटमेंट मंथली बेसिस पे लेके हम चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक क्लाइंट स्किन पिगमेंटेशन के साथ आ रही है, ठीक है, तो मैं उनको महीने का कोर्स के तौर पे मैं एक होम केयर प्रोडक्ट भी उनको रेकमेंड करती हूँ, प्लस उनको एवरी मंथ ट्रीटमेंट के लिए, न्यू वाइट की ट्रीटमेंट के लिए भी मैं उनको बुलाती हूँ। कोलैबोरेटेड विद, इंड्यूस्ड विद हाइड्रोडर्मी, हमारा जो फेशियल है, जो कि हमारा मशीन फेशियल है, हाइड्रोसेलुलर एनर्जी के साथ, जिसमें हम लोग आपकी स्किन के सेल्स को, बॉडी स्किन के सेल्स को हम रिचार्ज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देके। सो मैं उसके साथ इसको इन्फ्यूज़ करके आई गिव देम ट्रीटमेंट्स एवरी मंथ। ओके, शैल आपसे मजीद बात होती रहेगी, छोटा सा एक वक्फा लेना नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। व्यूअर्स वेलकम बैक, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं गिनो से शैला खान, और इनसे हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे आज ब्यूटी और फेशियल के हवाले से कि किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर बनाया जा सकता है, और सिर्फ फेस की ही नहीं, चाहे हाथों की स्किन हो, पाँव की स्किन हो, आप उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छी प्लम स्किन आपको मिल जाती है, और उसके बाद वक्त के साथ साथ जब आप एजिंग पे जाते हैं, यानी थोड़ा सा बुढ़ापा आता है, तो उस वक्त भी आपकी स्किन जवान रह सकती है। अच्छा शैला, मुझे बताइएगा कि ये ख़ास तौर पे जो रिंकल्स होते हैं, सबसे पहले लोगों की एक तो लाफ लाइन बननी शुरू होती है, ठीक है, दूसरे आईलिड्स जो होती हैं इनके कॉर्नर्स के ऊपर आपको रिंकल्स नज़र आते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसके यूज़ करने से कितने दिन के बाद ये रिंकल्स बेहतर होना शुरू होते हैं? आपके हमारी जो लाफ लाइंस और क्रोफीट्स जो होते हैं, ये एजिंग के साथ आते हैं, बिकॉज़ आपकी स्किन एज आउट करती है, तो आपकी स्किन सैग करना शुरू कर देती है। वजह पहले बता दूं कि आपकी लाफ लाइंस और आपके रिंकल्स, क्रोफीट्स जो जिसको हम कहते हैं, वो आते क्यों हैं? वो आने की वजह ये होती है कि हमारी स्किन में जो कॉलेजन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन के इलास्टिन फाइबर्स लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाफ लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, हमारे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, क्रोफीट्स बनती हैं। इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप एंटी एजिंग, एंटी रिंकल प्रोडक्ट्स आप जितना यूज़ करेंगे, हमारे गिनो में पूरी एंटी रिंकल की एक रेंज है, हमारे में एंटी एजिंग की पूरी एक रेंज है, आप वो इस्तेमाल करते हैं। यानी अभी अगर आपकी एज, यू आर राइट नाउ इन 25 और 30s, तो अगर आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस और लाफ लाइंस नहीं बनेंगी। अच्छा, जिसकी बन गई हैं फिर वो क्या करें? अब वो बन गई हैं तो अब ये ख़त्म हो सकती हैं, डिमिनिश हो सकती हैं, मतलब कि कम हो सकती हैं। अगर 100% है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से, गिनो का जिस तरीके से हमारी एंटी रिंकल क्रीम आती है, ठीक है, हमारी आई फ्रेश की क्रीम आती है, हमारा आई का सिरम आता है, आई लॉजिक आता है, अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू करें तो अराउंड अ पैसेज ऑफ अराउंड 3 to 4 months के पैसेज के टाइम पीरियड में आपकी रिंकल्स और आपके क्रोफीट्स 70%
70% तक कम हो जाएंगे, 70% तक ख़त्म हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी रेकमेंड करूँगी कि अगर आप हमारा गिनो का आयोलॉजिक जो फेशियल है दैट इज स्पेसिफिकली आज दिन तक मार्केट में, और जनरली भी अगर आप स्पा इंडस्ट्री में भी चले जाएँ तो आप लोगों को कोई एक ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलता जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आईज़ को, आईज़ की प्रॉब्लम्स को केटर करे। तो ये सिर्फ आई की प्रॉब्लम्स को केटर करता है। गिनो में हमारा एक स्पेसिफिकली एक फेशियल है आई लॉजिक जो कि बना ही सिर्फ और सिर्फ आईज़ के लिए है, क्योंकि ख़वातीन को पफिनेस होती है आईज़ के नीचे, यहाँ पे पफिनेस हो जाती है, रिंकल्स होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? वाटर रिटेंशन भी होता है, एक्सेस ऑफ लेस स्लीप यानी आपकी हल्के नहीं पड़ते, यानी डार्क सर्कल्स आते हैं, या दोनों चीज़ें होती हैं, यानी अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही और आप साथ में स्ट्रेस भी ले रहे हैं तो आपकी पफिनेस भी आती है आंखों के नीचे और प्लस आपको डार्क सर्कल्स भी होते हैं। तो ये जो फेशियल है आई लॉजिक, ये स्पेशली उन खवातीन के लिए, इसका एज से ताल्लुक नहीं होता या एज स्पेसिफिक भी होता है? अब मैं नहीं कहती कि एज से ताल्लुक होता है, बिकॉज आजकल हमारे यहाँ जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं, स्पेशली मैंने आई बैग्स डेवलप वजह है क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रात रात भर बैठ के जब आप पढ़ेंगे और जब आप, और पढ़ाई के प्रेशर से ज़्यादा मैं बोलूँगी हमारे पास जो स्क्रीन्स हैं, हमारे पास स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, अब रात के टाइम पे आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इस पर वक्त ज़्यादा निकालते हैं, तो आपकी आंखों पे कॉन्स्टेंट स्ट्रेनिंग की वजह से आपको आई बैग्स हो जाते हैं और प्लस आपकी डार्क सर्कल्स भी डेवलप होते हैं। सो उससे प्रिवेंट करने के लिए अगर आप महीने में एक अच्छा आई लॉजिक का फेशियल ले लेते हैं, इट्स ओनली रिलेटेड विद आईज़, जिसमें हम खाली हैंड्स ऑन से काम नहीं करते, हम हाथों से वो फेशियल नहीं करते, हम बाकायदा वो इलेक्ट्रोड थेरेपी जो होती है हमारी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, हम आपको मशीन फेशियल दे रहे होते हैं उसमें, और आपके जो सेल्स डीजेनरेट हो चुके होते हैं हम उनको रिचार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि नाइट क्रीम्स का हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है, आप गोरों को देखेंगे वो मेरे ख्याल में कोई भी नाइट क्रीम लगाए बगैर सोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक बात लेना और उसके बाद नाइट क्रीम्स वगैरह यूज़ करना, होता क्या है, नाइट क्रीम्स किस तरह काम करती हैं? इसके लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके स्किन के जो सेल्स हैं वो काम कैसे करते हैं। हमारी जो नॉलेज है वो बहुत कम है, स्किन के जो हमारे सेल्स हैं वो काम ही रात के टाइम पे करते हैं, यानी हमारी स्किन की जो फैक्ट्री है सेल्स की काम करने की वो रात में खुलती है। अच्छा, दिन में बंद रहती है? दिन में बंद रहती है, दिन में बंद भी नहीं रहती, कहने का मकसद ये है कि हमारे हमारे सेल्स जो हैं वो रात में जगते हैं स्किन के, और वो रात भर काम करते हैं और सुबह में उनकी फैक्ट्री शट डाउन हो जाती है, तो जो ग्लो और रेडियंस आपको दिखना चाहिए वो आपको दिन में इसलिए दिखता है क्योंकि आपके सारा दिन आपके चेहरे, सारी रात आपके चेहरे पे काम होता रहा है, तो वो ग्लो और वो रेडियंस आपको दिन के टाइम पे दिखेगा, तो रात के टाइम पे नाइट क्रीम इज़ मैंडेटोरी। अच्छा, यानी आप वो खुराक अपनी स्किन, उसमें मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा होती है या क्या चीज़ें होती हैं उसमें? नरिशमेंट और मॉइस्चर दोनों होता है। अच्छा, यानी आपके स्किन को जिन ऑयल्स की, एसेंशियल ऑयल्स की ज़रूरत होती है वो भी मिल रही होती है, आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है जो मॉइस्चर से रिलेटेड होता है आपको वो भी मिल रहा होता है, तो जिससे आपकी स्किन सुबह के टाइम पर बहुत ग्लो और फ्रेश दिखती है। सो नाइट क्रीम्स आई वुड डेफिनेटली से कि बहुत ज़रूरी है, 100%। और डे क्रीम जो सनस्क्रीन होते हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? होना चाहिए सनस्क्रीन। बाज़ देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, जो लोग बाज़ एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो कहता है कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम SPF बोलते हैं। हमारे पास गिनो में डिफरेंट रेंजेस ऑफ सन प्रोटेक्शन यानी सन ब्लॉक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम SPF 15 टिल SPF 50। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है आपको सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस से भी बचाता है, रोक लेता है। ठीक है, और वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फिर अगर आप अभी नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं सबसे करता हूँ कि इफ़ आई आस्क यू टू सजेस्ट जस्ट वन प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को बेहतर भी करे, आपकी स्किन की केयर भी करे, हिफाजत भी करे, अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी कम हो और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी रेंज पड़ी है तो फिर चूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक प्रोडक्ट जो आप सजेस्ट करें जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम है, जो चाहे कि सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके वो अपनी स्किन को बेहतर बना ले, तो कौन सी वो प्रोडक्ट हो? आई वुड से इट वुड बी माय हाइड्रा ब्यूटी क्लींजर।
हाइड्रा ब्यूटी क्लेंजर, हमारा क्लेंजर हाइड्रा फेशियल क्लेंजर जो है हमारा, क्या वो काफी से ज्यादा प्रोटेक्शन दे देता है स्किन को? प्रोटेक्शन मतलब कि अगर मैं वो दिन में, अगर वो एक प्रोडक्ट मेरे पास है अकॉर्डिंग टू माई स्किन टाइप, और मैं अगर उसको सुबह में और रात में, दिन में दो टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ, सो आई एम गुड विद इट. आई वुड से कि मेरी गिनों की रेंज में, मेरे पास पर्सनली, अगर मेरे पास जो मेरा हाइड्रा का क्लेंजर है, दैट वर्क्स मिरेकल्स फॉर मी. अच्छा, सीरियसली. तो यानी अगर एक कोई चीज़ को, एक बंदा कोई सिर्फ एक चीज़ अफोर्ड कर सके तो उसके लिए बेहतर, क्लेंजर तो ज़रूरी होना चाहिए. बिकॉज क्लेंजर करता क्या है कि आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज़ को साफ़ कर देता है. यानी हमारे फर्स्ट लेयर, हमारी एपिडर्मिस पे जो इतनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, चले आप फेस को वॉश करने के लिए बेहतरीन क्या चीज़ होती है? यानी कोई फेशियल वॉश होना चाहिए नॉर्मली रेगुलर यूज़ में? बहुत से लोग कहते हैं साबुन से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती, आप डायरेक्ट साबुन से मुंह धोएं और उसके बाद बेहतरीन फ्रेश फील करें. आप तो, मैं कहूँगी, मैं इस चीज़ पे बोलूँगी कि साबुन से नहीं, आप सर्फ से मुंह धो लें. नहीं नहीं, वो फिर ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी. नहीं, ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी. वजह उसकी ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हार्श प्रोडक्ट्स होते हैं जो साबुन में और फेस वॉशेज में इस्तेमाल होते हैं. सो आई वुड से फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करें, फेशियल फोम्स इस्तेमाल करें. फेशियल फोम्स, एग्जैक्टली. वो थोड़ा माइल्डर होते हैं, आपकी स्किन के पीएच लेवल्स को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते और आपकी स्किन को ओवरली ड्राई भी नहीं. अच्छा, अगर सिर्फ पानी से, अगर आप 3-4-5 दफ़ा दिन में, जिस तरह वजू में हमारे दिन में तो ये है ना कि आप वजू करते हैं, सिर्फ पानी से मुंह धोते हैं, उससे भी बड़ी फ्रेशनेस आती है, बहुत आती है. हमारे पास गिनों में हाइड्रा ब्यूटी मिस्ट है, इज़ अ मिस्ट. तो हम लोग उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कि जिस तरीके से मैं हूँ, मैं सुबह मेकअप करती हूँ और मेरा शाम तक ऑलमोस्ट मेकअप रहता है बिकॉज ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है. सो आई हैव माई हाइड्रा ब्यूटी मिस्ट ऑलवेज इन माई बैग. सो व्हाट आई डू, मैं स्प्रे कर लेती हूँ मेरी स्किन को जो हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है. सारा दिन ऑब्वियसली धूप में बाहर फिरने में आपकी स्किन की जितना भी मॉइस्चर लेवल है, वाटर का लेवल है, वो ख़त्म होता जाता है. तो वो हाइड्रा ब्यूटी मिस्ट जो है वर्क्स लाइक वाटर फॉर मी एंड गिव्स मी मिरेकल. अच्छा, कहते हैं कि बाज़ दफ़ा मेकअप करने से भी जो है कुछ लोगों की स्किन ख़राब भी होती है, कुछ की बेहतर भी होती है. बेहतर इन द सेंस कि एक मॉइस्चराइजेशन जो है वो फेस पे हर वक्त रहती है तो ड्राई नहीं हो पाती. तो जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको मेकअप भी जो है, अगर अच्छा क्वालिटी का मेकअप है तो उससे भी उनको प्रोटेक्शन मिलती है. बिल्कुल, अगर आपकी, देखिए बात बिल्कुल सही है, अगर आपका मेकअप अच्छी क्वालिटी का है, आप लोकल ब्रांड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे हाई एंड ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, फुली नरिश्ड रहेगी. अगर आप लोकल ब्रांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसमें कोई किस किस्म का हार्श केमिकल है, ठीक है, पता होता. नहीं पता होता आपको. सो इसलिए आई ऑलवेज इंसिस्ट कि इन्वेस्ट इन अ ब्रांड दैट यू आर कम्फर्टेबल विद एंड यू हैव यूज्ड इट एंड इट हैज़ गुड रिव्यूज़. बिल्कुल ठीक है, शायद आपसे मजीद बात होगी. एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, फिर आपको हम लेके किचन सेगमेंट में भी जाएंगे और एक बहुत अच्छी सी पीच स्मूदी है वो हमारी शेफ नौरीन आपको बना के सर्व करेंगी. तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान. मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल और यहां बात कर रहे हैं आज ब्यूटी के हवाले से. हमारे साथ मौजूद हैं गिनों से ब्यूटी एक्सपर्ट शहला खान, जिनसे हम ब्रेक से पहले बात करते रहे. अब हम शहला खान को यहां लेकर आ गए हैं. ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है, और जब हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी होने वाला है. तो हमारे साथ किचन में मौजूद है शेफ नौरीन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम शेफ नौरीन, वेलकम टू द शो. आप थोड़ा लेट आई हैं लेकिन आपको खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू सर. क्या बना रही हैं आज? और हमारे साथ, सॉरी ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट शेफ फरा. इनकी भी बड़ी मेहनत होती है चीज़ों की प्रिपरेशन में. स्किल्सटन में ये ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और साथ साथ हमारे यहाँ यहाँ पे असिस्टेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं. जी कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ. जी नौरीन, अब मुझे बताएं क्या बना रही हैं? सर, आई एम मेकिंग पीच स्मूदी.
पीच स्मूदी बना ली। और पीच स्मूदी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, पीच के अलावा? पीच तो चाहिए ही होगी, चलें लेकिन फिर भी बताएं। सर वी नीड ब्राउन शुगर, 2 teaspoon लाइक व्हाइट शुगर, लेमन जूस एंड मिंट लीव्स एंड लॉट्स ऑफ आइस एंड पीच। यस एंड पीच ऑफ कोर्स, विदाउट पीच वी कांट मेक। Okay, and it's a healthy drink? It's very healthy and very refreshing, plus tempting, plus summer drink, the best summer drink. Okay, तो आपने फरा कभी बनाई है पीच स्मूदी? सर पीच स्मूदी भी ट्राई की है, और कल जो हमने बनाया था मैंगो टैंगो स्मूदी, वो भी काफ़ी दफ़ा ट्राई करी है। अच्छा, और इसके आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं, कौन से? अगर मैं आपसे कहूँगी कोई एक शेक जो आप बहुत अच्छा बनाती हैं। सर कोई भी शेक, एनीथिंग यू वांट, कुछ भी आप अच्छा शेक बना लेते हैं, चलें दैट्स गुड। शैला आप बताएं कि कैसा आपको लगता है फ्रूट्स? तो वैसे भी बहुत आजकल तो वैसे सीजन में बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, और आड़ू तो वैसे भी बहुत फेवरेट है। और फ्रूट्स स्किन के लिहाज से अगर हम फ्रूट्स को रिलेट करें तो खाने चाहिए, बिकॉज़ आपकी स्किन का में जो आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल्स हैं उसको भी बहुत मेंटेन रखते हैं, आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं और आपकी स्किन को और भी इन्हांस करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं ये फ्रूट्स के, चेरीज़ के, स्ट्रॉबेरीज़ के फेशियल्स बना के मुंह पे लगाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो चीज़ किचन में मौजूद होती है उसको मिक्स करते हैं और उसको अपने फेस पे लगा लेते हैं। हाँ, वो एक तरीके से देखा जाए तो आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट दिस एज वेल, बिकॉज उसका रीज़न ये है क्योंकि आप प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो उसकी तासीर अलग होती है चेहरे। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जैसे लेमन का भी इस्तेमाल करें, बहुत से लोग गोरा होने के लिए या फेयरनेस के लिए लीमू का इस्तेमाल करते हैं, हाथों के नकल्स पे तो लगाते ही लगाते हैं लेकिन उसके साथ साथ फेस पे भी लगा रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि विटामिन सी की टेंडेंसी जो होती है, इट्स रिच इन विटामिन सी, इट हैज गॉट अ सिट्रिक एसिड एज वेल। एग्जैक्टली, लेकिन बर्नआउट करता है, इच करता है। बहुत सारी खवातीन डायरेक्ट स्किन पे भी लगाती हैं, फेस पे भी लगाती हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी स्किन टाइप और स्किन कंडीशन को एनालाइज करके फिर ही आप ऐसे अपना ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं, फल जो होते हैं उनको, स्पेशली नींबू की जब हम बात करें तभी आप स्किन पे लगाएं, क्योंकि एसिडिक है तो थोड़ा सा ख्याल जरूर करें। यह एक तरीका, और भी आपको एक अच्छी सी टिप सोच रहा हूँ मैं भी बता दूँ। असल में पहले ज़माने में होता यह था कि उसके साथ साथ जब घरों में भैंस का ताज़ा दूध आया करता था तो उसमें मलाई बड़ी अच्छी सी बनती थी, उस मलाई को मिक्स करके अगर लगाते थे तो जो यानी वो न्यूट्रलाइज कर देती है, जो मलाई जो क्रीम होती है ना वो न्यूट्रलाइज कर देती है। मैं बाजार वाली क्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घर की मलाई जो कि दूध के ऊपर जो बालाई जिसे हम कहते हैं वो आती है, उसके साथ भी जो है ना आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप यूट्यूब पर भी अगर देखें, काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगहों पर अगर आप YouTube वगैरह स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक चीज़ों को लेके, फल सब्जियों को लेके फेस मास्क बनाए, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि चीज़ें बनाई जाती हैं। अच्छा जी नौरीन, अब इसको हम स्टार्ट करें। yes. आपकी रेसिपी क्या क्या चीज़ें ज़रा इसमें आप स्टार्ट करके बताएं। सर पीच जी, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, लेमन जूस, मिंट लीव्स एंड आइस। ओके, वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले जग में आप चीजें डालना शुरू करें। पीच डालूंगी इसमें। ये तकरीबन 2 से 3 पीचेस हैं। 3। ओके। ओके। उसके बाद आप I'll add a bit water. ओके। Half a glass. ओके। Then you'll add brown sugar. Brown sugar. Almost 3 teaspoons, and then lemon juice around 2 tablespoons. Okay. And white sugar 2 teaspoons. Hmm. And mint leaves 3 to 4. Okay. This is all you need to put. Yes, and then ice. जी. अच्छा अब इसके अंदर आइस आप और मजीद ऐड कर रही हैं। यस सर। ठीक है, अब मैं भी सोच रहा हूँ कि जब ये शेक्स वगैरह बन रहे होते हैं ना तो मुझे बड़ी इसमें टेम्पटेशन होती है कि मैं खुद भी आके देखूँ। तो सर आप किसी दिन खुद हमें शेक बना? मैं बहुत दिनों तक अपने इस किचन पे ही मैं कुछ 6 मंथ्स तक जो है ना वो मुख्तलिफ शेक्स और स्मूदीज और ये तमाम चीज़ें बनाता रहा। ओके, दिस इज़ डन। अब हम इसको शेक करने जा रहे हैं। यस, yes, इसको ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड कर रहे हैं। ओके।
बहुत डलेगा। अच्छा नौरीन ये बताएं, व्हाट अबाउट एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ चाट मसाला या इस टाइप की कोई चाट मसाला है, ब्लैक सॉल्ट यू कैन ऐड टू। अच्छा ब्लैक सॉल्ट भी इसमें डल सकता है, काला नमक और यस ब्लैक सॉल्ट काला नमक एग्जैक्टली। चाट मसाला से तो फिर आपको थोड़ी मिर्चें लगेंगी, बट यू कैन ऐड काला नमक डाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा जो है ना, कुछ लोग चाट मसाला भी इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक स्पाइस जो है ना वो ऐड अप हो जाती है। सर बिकॉज़ वी आर पाकिस्तानी एंड वी वांट मसालाज एंड ऑल थिंग्स, थोड़ी सी स्पाइस हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वी लव मसालाज। अच्छा ये फरा जो है ना, ये इसको ग्लास को ज़रा कलरफुल बनाने के लिए और थोड़ा सा एक चॉकलेट का टच देने के लिए इसको ये चारों साइड पर सीरप, चॉकलेट सीरप जो है ना इसको थोड़ा सा रेडी है। यस इट्स रेडी, नाउ वी हैव टू सर्व। ओके अब हम इसको सर्व करेंगे। ओके ये अब ये पीच स्मूदी जो है ना ये रेडी हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त सी, वैसे ही देखने में भी बड़ी एक डिफरेंट स्टाइल की लग रही है। तो शैला आप बताएं आपको कैसी, आई मीन डू यू लव पीच? आई डू। अच्छा। मैं वैसे भी आड़ू खाती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ क्योंकि आपका रंग साफ़ करने में भी बहुत मदद देते हैं इनके। इसमें आड़ू में भी हाई टेंडेंसी ऑफ विटामिन सी होता है, विटामिन बी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके कलर के लिए, कलर कम्प्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें भी खानी चाहिए, उससे ही बेहतर आपकी सेहत होती है, बिकॉज आपका जब तक अंदर का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा आपकी स्किन के लिए। ओके जी, तो ये नाज़रीन आप देख रहे होंगे बड़ी ज़बरदस्त सी ये जो स्मूदी है ये तैयार है। शैला ये आपके लिए है, ये ज़रा मैं ट्राई करूँगा कि कैसी है। एंड नौरीन दिस इज़ फॉर यू, ये नौरीन को दे दें और फरा के लिए भी होनी चाहिए। ओके चलें तो ये ज़रा इसको चेक भी करते हैं कि हाउ इज़ इट लाइक। अच्छा ये बड़ी अच्छी होती है। इट्स रियली गुड, रियली अमेजिंग, बहुत जबरदस्त, आई रियली लाइक इट, बहुत जबरदस्त है नौरीन। थैंक यू सर, मतलब वाकई एक जो फ्रेश फ्रूट का टेस्ट है ना वो आ रहा है। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इसके अंदर मिल्क नहीं डाला गया है इसलिए पीच का जो प्योर टेस्ट आ रहा है, वो ये आ रहा है। ये आपकी अपनी इन्वेंशन है नौरीन या दिस इज माय ओन इन्वेंशन? योर ओन इन्वेंशन, ओके दिस इज नौरीन्स स्पेशल पीच स्मूदी जिसके अंदर ना तो योगर्ट डाली गई है ना कुछ। अच्छा मुझे बहुत मजे की लगी। हां यू आर गोइंग टू ट्राई दिस एट होम? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एट होम। अच्छा Definitely. नहीं ये बड़ी मतलब अच्छी, टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त है। अच्छा ये बताएं कि शैला के स्किन की केयर करने के लिए लोग क्या करें? एक अच्छी स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए आपकी, शॉर्ट स्टेटमेंट अगर आपसे, अगर मैं एक शॉर्ट स्टेटमेंट बोलूं तो एक आपके पास बेसिक क्लेंजर होना चाहिए, मेकअप रिमूवर होना चाहिए, एक अच्छा एक्सफोलिएटर और एक अच्छा मास्क। इन चार चीज़ों से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, ग्लो कर सकती है। नौरीन आपकी स्किन ग्लो करने का क्या राज है? सर माय डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। We don't apply anything on your skin. Of course, what she is saying the same. ये सारी चीजें हैं, ओह इसका मतलब है कोई planning चल रही है ना? And sir, lots of water and juices. अच्छा. Yes sir. Juices and water. अच्छा. पानी तो जरूर रखें अपनी skin के लिए skin care routine में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा skin dehydrated ज़्यादा होती है, dry कम होती है. तो dehydration is related with water. So आपको water intake भी बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी lifestyle में जो आपकी skin regime में जो products हैं वो भी हाइड्रेटेड बेस्ड ज़्यादा होने चाहिए। और गिनों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे गिनों में 90% हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाइड्रेशन बेस्ड है, यानी मॉइस्चर बेस्ड है, आपकी स्किन के हाइड्रेशन जरूर है, यानी ऑयल बेस्ड नहीं है बल्कि वाटर बेस्ड। ओके बहुत शुक्रिया शैला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट्स लवली हैविंग, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप प्रोग्राम पे आते हैं। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग दिस ड्रिंक एज़ वेल। यस आपको ड्रिंक पसंद आया होगा। नौरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। फरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी मेहनत करती हैं इसलिए कि असिस्टेंट शेफ़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, अगर वो सही तरीके से काम ना किया जाए तो फिर बाज़ दफ़ा रेसिपीज़ गड़बड़ भी हो जाती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया,
ناظرین امید ہے آپ کو ہمارے آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی حفاظت کرتے رہیں, اپنی اسکن کی حفاظت کرتے رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.